हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे जमाल गोटा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है। बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये है क्या, कहाँ से प्राप्त किया था, इसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल ये कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमाल गोटा की। तो ये जमाल गोटा जो है बेसिकली इंडिया में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में आप जाओ तो बहुत ज़्यादा इसके पेड़ होते हैं। ठीक है, ये एक प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, क्रोटोन टिगलियम। ये एक साइंटिफिक नेम होता है, अगर साइंस की भाषा में बात की जाए तो क्रोटोन टिगलियम ही बोला जाता है, वहाँ पे कोई जमाल गोटा नहीं बोलता इसे। ठीक है, बेसिकली इसका पेड़ होता है, पेड़ों की बार्क होती है, मतलब कि छाल होती है, उससे भी कुछ चीज़ें निकलती हैं, पत्तियों से भी कुछ चीज़ें निकलती हैं, और इसके जो बीज होते हैं बेसिकली उसी को जमाल गोटा कहा जाता है। अब चाइना में भी ये होता है, चाइना में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चाइना में इसको बोला जाता है वाडो। ठीक है, वाडो उनकी भाषा है, जो भी बोले अपन को क्या, अपन बोलते हैं क्या, जमाल गोटा। तो ये है, ये बेसिकली दोस्तों कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके जो जमाल गोटा होता है जिसे क्रोटोन टिगलियम कह रहे हैं हम, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पर्गेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मतलब कि पर्गेटिव मतलब कि ये जो फिकस होता है उसको लूज कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज, कई लोगों को कब्ज होती है, बोले चाहिए फ्रेश होने जाते हैं, लेटन जाते हैं, बट वो बहुत ताकत लगाते हैं लेकिन वो फ्रेश नहीं हो पाते, हल्के नहीं हो पाते। ठीक है, तो उस काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। और एवरग्रीन प्लांट है, हर मौसम में ये उगता है। और इसकी फैमिली की बात करिए, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट देख रहा है तो वो समझ लो कि यू फोर वेसी इस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है। ठीक है, पुराने समय में क्या होता है दोस्तों कि इसके जो बार्क होता है, जो इसकी छाल होती है, उससे जूस निकाला जाता था, और उसको तीर होते हैं, तीर कमान जो आपने सुना होगा, पुराने फिल्मों में देखा होगा, पुराने समय में लोग शिकार करते थे, तो तीर कमान पे इसके उसको लगाया जाता था रस को, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, जहरीलापन होता है। ठीक, तो टॉक्सिक भी होता है और जो है कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि हर व्यक्ति को सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोग किसी को मजा लेने के लिए या कोई प्रैंक करने के लिए व्हाटएवर कोई भी मस्ती मजाक में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि ये एक हर्बल प्लांट है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दे सकता है अगर आप इसको सीमित मात्रा में लेते हैं तो। ठीक है, अब होता क्या है, डॉक्टर आजकल के जो विशेष तौर पर एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये ऑनलाइन साइट पर मिल जाएगा, जमाल गोटा पाउडर मिल जाता है 20-25 रुपए का, इसका सैचेट मिल जाता है, सीड्स मिल जाते हैं 150 रुपए का, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, बट डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि और भी कई सारे अल्टरनेट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, कई तरह के लैक्टलोज सिरप होते हैं, कई तरह की क्रीमिफिन वगैरह आपने सुना होगा नाम, तो ये सब होता है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति गांव पे है या कहीं ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है, तो जमाल गोटा कुछ मात्रा में देने से वो अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये है। अब बात किया इसके बेसिक यूजेस की, तो देखो सीवियर और लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन मतलब कि बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन में आप इसबगोल वगैरह चलाते हैं तो उनसे आराम मिल जाता है, इसबगोल भी एक हर्बल प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, तो लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल किसी भी तरह का डिसऑर्डर है वहाँ पे जमाल गोटा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा। ठीक है, और दोस्तों स्नैक बाइट पॉइजन में वहाँ पे भी एंटी वेनम के रूप में भी दिया जा सकता है, एंटी वेनम नहीं बोल सकते, एंटीडोट के रूप में दिया जा सकता है। अगर कई लोगों को सांप वगैरह काट लेता है तो उस टाइम पे एंटीडोट के रूप में जमाल गोटा भी कई बार दिया जाता था और लोगों को आराम भी मिलता था, बट अभी क्या है, नया टेक्नोलॉजी है, नए एंटी वेनम्स अवेलेबल हैं, तो इसका इस्तेमाल कम हो गया है। जाहिर सी बात है, ये कॉन्स्टिपेशन में दे रहे हैं तो काम कैसे करता है दोस्तों, जमाल गोटा का जो बीज होता है उसको आप पाउडर के फॉर्म में पानी से आप देंगे किसी को भी, तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, 1 से 2 मिनट के अंदर आदमी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लगने लगते हैं, बोलना चाहिए कि दस्त लगने लगते हैं। और ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये हमारी आंतों के अंदर जो बबल एक्शन होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है, एकदम से आंतों की गति को बढ़ा देता है बहुत तेज,
तो फिर क्या होता है, आदमी को जो है लेटरिन जाने का पड़ने लगता है कि अब तो उसको फ्रेश होने जाना है, दस्त लगने लगते हैं। तो ये है, हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, हर्बल है, बट इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते भी हैं, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी सूजन आ सकती है, डायरिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाएगा। जब डायरिया बहुत ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, ये एक अलग समस्या बन जाती है। उस वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में मरोड़ होंगी, स्पाज्म होगा, बहुत तेज पेट दुखेगा, आदमी को सुई से चुभने लगेंगी। ठीक है, आप सोचेंगे हमने तो जमाल गोटा दिया था कम मात्रा में, लेकिन इट मे पॉसिबल कि ये हो जाएगा, ठीक है, और यही सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे जमाल गोटा के बारे में, हर्बल प्लांट है, पहले यूज़ करते थे कॉन्स्टिपेशन से राहत कर पाने के लिए, लेकिन आजकल इसका यूज़ कम हो गया है। ठीक है, तो ये है, और यूजेस की बात की जाए, इसका कोई डोज फिक्स नहीं है, SOS की तरह यूज़ किया जाता है, SOS मतलब कि जब ज़रूरत पड़े तब। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए, समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।